बाबा की नगरी उज्जैन में नए साल के पहले दिन आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि बाबा महाकाल के दर्शन के सभी पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस दिन उज्जैन शहर की सड़कें जाम, पार्किंग फुल, होटल फुल, रेस्टोरेंट फुल, मतलब सब कुछ हाउसफुल था। बताया जा रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर में 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। नए साल पर मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए साल के पहले दिन रविवार को धार्मिक नगरी उज्जैन जय श्री महाकाल के धार्मिक नारों से गुंजायमान रहा। महाकालेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उज्जैन कलेक्टर और महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने बताया कि सुबह भस्म आरती से ही श्रद्धालुओं का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि रात तक लगातार जारी रहा। धार्मिक नगरी में नए साल की शुरुआत करने आने वाले श्रद्धालुओं ने सिंहस्थ मेले की यादें ताजा कर दी। उज्जैन के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं मिली। इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था से लेकर सड़कों की यात्रा व्यवस्था भी बौनी साबित हुई। उज्जैन में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त उज्जैन पहुँचे। ये पहला मौका है जब महाकालेश्वर मंदिर समिति को प्रोटोकॉल व्यवस्था बंद रखनी पड़ी। महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक के मुताबिक रविवार को मंदिर में प्रोटोकॉल व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं मिल पाई। हालात ऐसे थे कि शिव भक्तों के उमड़े सैलाब ने ठहरने की व्यवस्था को लेकर भी परेशानी पैदा कर दी। उज्जैन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ पहुंच गए कि होटल लाजो धर्मशाला भी छोटी पड़ गई। ठंड का मौसम होने की वजह से कई श्रद्धालुओं ने तो आसपास के शहरों में होटल बुकिंग करवाई। उज्जैन की धर्मशाला में भी कमरे खाली नहीं मिले। We'll be right back.